हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, घरेलू फर्टिलाइज़र के बारे में डिटेल में बात करूंगी। वैसे तो इस फर्टिलाइज़र को सभी जानते हैं और सभी गार्डनर्स यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितने समय बाद करना है, किन पौधों पर करना है और क्या इसका फ़ायदा है, ये सब बातों में मैं डिटेल बात करूंगी। और हमारे बहुत से बिगनर्स जानते तो हैं कि इसको पौधों में यूज़ करना है, लेकिन कैसे यूज़ करना और किन पौधों पर और कितने समय के बाद करना है, इन सब बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं उसी घरेलू फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी। ये हमारा है चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। सभी जानते हैं घरों में जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती होती है, उसे हम अपने पौधों पर यूज़ करते हैं। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हमें इसे धो करके बहुत अच्छी तरह से सुखा करके, जिससे इसकी चीनी की मात्रा वगैरह निकल जाए। इसको मैंने धो लिया है, बढ़िया से सुखा लिया है और अब मैं इसको अपने पौधों पर दूंगी। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इसे किन पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। इसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के लिए बहुत लाभदायी हैं। वैसे ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये एसिडिक प्लांट्स जो होते हैं, जो हमारे फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, हमारे साग सब्जियों के पौधे, उन पर ये बहुत असरदायी होता है। जितने फूलों के पौधे हैं, गुलाब है, बोगनवेलिया है, विंका है, बहुत सारे जो चांदनी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन पे आप इसे इस्तेमाल करें तो इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। तो अब इसको हम कब इस्तेमाल करें फ्रेंड्स, देखिए इसको फरवरी से लेकर सितंबर तक आप अपने पौधों में बढ़िया इस्तेमाल, सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि सर्दियों में हमें बहुत कम टाइम मिलता है, फूल कम टाइम के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने होते हैं, तो हम ज़्यादातर अपने सर्दियों के प्लांट्स में ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत जल्दी असर करते हैं और वो ढेर सारे फूल भी देते हैं। घरेलू भी करते हैं लेकिन इसका हम लोग नहीं करते। उसका एक कारण है कि इसको सर्दियों में ना करने का कारण ये कि ये डिकम्पोज बहुत देर में होता है। ये नहीं कि आपने इसको डाला और ये तुरंत असर करने लगा, थोड़ा डिकम्पोजिशन में इसको घुलने में टाइम लगता है। तो इसे आप फरवरी से लेकर सितंबर तक अपने पौधों में इस्तेमाल करें और सर्दियों में आप अपने और फर्टिलाइजर्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करें और कितनी मात्रा में करें, इस पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसमें देख रहे हैं आप हल्दी रखी है, वो मैं हल्दी भी इसमें मिला लेती हूँ, क्योंकि इसमें यदि थोड़ा सा भी पानी रहा और फंगस अंगस लगने का डर ना रहे तो हल्दी इसके साथ मिला लेने से बहुत ज़्यादा ये इसका जो असर होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। और इसको जो है अब पौधे का देखिए, इसकी मिट्टी हमने गोड़ ली है और ये छोटा 8 इंची 9 इंची का गमला, उसमें मैं इसमें केवल एक ही चम्मच दूंगी ये फर्टिलाइज़र, और बड़े गमले में 2 चम्मच तक आप डाल दीजिए। और इस तने से इसको किनारे से थोड़ा थोड़ा दूरी पर इस्तेमाल करें। इसको इसमें ये 1 चम्मच ही काफ़ी है, छोटा 8 इंच 7 इंची 8 इंची का गमला है, और जो बड़े गमले होते हैं 12-13 इंच, उसमें आप 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो इस्तेमाल, और बड़े गमले हैं ज़मीन वगैरह में, उसमें आप थोड़ा मुट्ठी भर भर के डाल दीजिए पौधे जो गुलाब वगैरह लगे हैं, तो ये यूज़ इस तरीके से करेंगे। तो ये तो होगी कि मात्रा की बात हम क्या करते हैं, और इसको करने के बाद इसमें पानी डाल दें आप और ये असर करेगा। अब हम इसे कितने दिनों बाद डालें, तो फ्रेंड्स इसे कम से कम दोबारा आप इस्तेमाल करने के लिए इसे 1 महीने बाद डालें, क्योंकि ये डिकम्पोज होने में इसमें बहुत टाइम लगता है फ्रेंड। तो इसलिए इसको जो है आप इस्तेमाल करें करीब 1 महीने के अंतर, 1 महीने से ऊपर ही के अंतराल पे इस्तेमाल करें इसको। और आप इसे सभी पत्तियों वाले पौधों में, सभी पौधों में आप डालेंगे सब में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है और लीफी के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा यूज़ करता है। तो वैसे तो इतना हो ही नहीं पाता है, मैं फूलों के पौधों के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है, उतना ही नहीं निकल पाता है, इसलिए फूलों में ही अब ज़्यादा इस समय
इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि बच जाए तो आप अपने सभी लीफी प्लांट, जेड प्लांट में मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ, जितने हमारे जेड प्लांट्स की टोपियारी है उसमें सब में हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने अंतराल में करना है, किन पौधों में करना है और ये कितना असरदायी है। तो इस तरह, और एक चीज़ और आपको बताएं कि इसका जो जो हमारी चाय पत्ती बिना यूज़ की हुई अच्छी चाय पत्ती होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। उसे आप पानी में भिगो दीजिए और 24 घंटे भीगने दीजिए, उसका पानी छान लीजिए, छानने के बाद उसे थोड़ा डाइल्यूट करके आप उसका स्प्रे भी पौधों पर करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा असरदायी होगा। तो इस तरह से आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, यूज़ वाली चाय पत्ती का और बिना यूज़ की हुई नई पत्ती का लिक्विड स्प्रे भी करें तो वो भी पौधों में, पत्तियों में शाइनिंग लाएगी, चमकीलापन लाएगा, ग्रीनरी मेंटेन करेगा और फूलों फलों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। फूल बहुत अच्छे होंगे इसमें, मात्रा में बढ़ेंगे, फलों के लिए अच्छा, साग सब्जियों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमने इस चाय पत्ती फर्टिलाइज़र की दी और आशा करती हूँ आपको इसमें सारी जानकारी मिल गई होगी चाय पत्ती फर्टिलाइज़र के विषय में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।